अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग्स, आम वालेकुम योर फेलो एंड योर कलीग जफर अब्बास खान, एज यूजुअल शॉर्टकट पॉइंट पे आपसे मुलाकात हो रही है। टुडे आवर गेस्ट इज मिस्टर जीशान गजलानी। एक्चुअली ही इज द म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ आवर्स। मैं और मोहम्मद बिलाल गौरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड, बहुत ही अच्छा दोस्त, मोहम्मद जीशान गजलानी। सबसे पहले तो माजरत के मेरे सबसे प्यारे दोस्त मोहम्मद बिलाल गौरी, जो एक लीजेंड है, एक हीरो हैं, उनका अभी तक इंटरव्यू नहीं आ सका आप तक। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है विद इन 1-2 डेज में आपके बिल्कुल आपके रूबरू, आपकी अदालत में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं बिलाल को भी लेके आऊँ। तो आज हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड, बहुत देर से, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्त, इनका नाम बहुत प्यारा है। बड़ी दफ़ा मैंने पूछा है कि गजलानी का क्या मतलब है, आज इन्हें पूछेंगे कि गजलानी का मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि एक लंबी लिस्ट है, हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन सेलेक्ट हुए हैं, अभी असिस्टेंट काम कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इससे पहले ISI में बतौर सब इंस्पेक्टर काम किया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हुए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हुए, और इसके अलावा मैं बहुत सारी पोस्ट इनकी जो सिलेक्शन हैं वो भूल जाऊंगा, और बहुत सारे जो इनके रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किए वो मैं भूल जाऊंगा। तो चलते हैं ईशान गजलानी के पास। गजलानी, फर्स्ट माय माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गजलानी। बहुत प्यारा ये आपका मतलब, ईशान गजलानी, गजलानी क्या है पहले ये बताइए, और फिर आपने जो लिस्ट है वो तफसील के साथ आप बताइए कि क्या क्या, कितनी सीटें आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए, कितनी सीटों पे सिलेक्शन हुई, पूरी डिटेल के साथ बताइए हमें। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गजलानी वैसे सब कॉस्ट है यरिंद बलोच की। आमतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सब कॉस्ट है। वैसे तो डिफरेंट लोग, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं जी हमारे कोई बुजुर्ग होते थे गजन खान, जैसे बाप दादा से औलादें चलती हैं, फिर वो सब ब्रांचेज और बाइफरकेशन होती है, तो वहां से जी गजलानी, गजन खान से गजलानी निकले। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट टाइम जब कोई सुनता है तो वो मुझे कहते हैं जी जीशान गिलानी, फिर मैं कहता हूँ कि यार इनको क्या कहूँ गजरानी, मैं कहता हूँ हाँ जी गिलानी, वो कहते हैं अच्छा जी सैयद बादशाह है, उन्होंने कहा जी सैयद बादशाह है। बाद लोग इसको डिफाइन करते हैं जी, जो फर्स्ट टाइम सुनते हैं, जैसे आपने सुना फर्स्ट टाइम जो सुनते हैं वो कहते हैं जी गजलानी क्या, जो गजल गाने वाले होते हैं। मैं कहते हैं हाँ जी वो गजल गाने वाले ही कह लें, जब वो हीरन अपने बच्चे की तलाश में, वो या औरत अपने महबूब की तलाश में, वो जब वो एक उसकी दुख भरी आवाज निकलती है तो वहां से जी निकला है जी ये गजलानी। तो वो के मतलब जो जहाँ पे फिट हो जाए, वैसे ये जो गजलानी ये सब कास्ट है रिंद बलोच की, और वो बाप दादा से जैसे नाम चलता है तो उस हवाले से गजलानी आ रहा है। बाकी दूसरी बात जो सर आपने पूछी टेस्ट की, तो ये डिफरेंट फेजेज में, पहले तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब करता था, मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको महसूस होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप फिट हैं तब भी आप सरवाइव कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ आप अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो फिर जब कंपनी के ऊपर वक्त आना है तो उसने आपको सबसे पहले आपको उसने डाउन साइज करना है। अगर आप 1 लाख सैलरी ले रहे थे और 6 महीने के लिए आप डाउन साइज हो गए, जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं आता तो सैलरी की एवरेज फिर आप उधर 50-60 पे आ जाते। तो खैर अच्छी जॉब मैं कर रहा था, वो जॉब मैंने छोड़ी। तो ये पीपीएससी या इन चीजों का, तो इनसे तो हमने कभी हमारा नजदीक से भी गुजरना नहीं हुआ, क्योंकि हम पीपीएससी ये समझते थे ये कोई तोप चीजें होती हैं, या ये लाहौर वाले या अपर पंजाब वाली सीटें ले जाते हैं, तो इस तरफ तो इतना आना जाना नहीं हुआ। तो फिर मेरे एक कास्ट फेलो ही थे, वो भी हमारे गजलानी थे, तो उनकी जॉब हुई एडी लीगल किसी डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या इधर टाइम से कर रहे हो, तो ये तो बुक लो। तो फिर मैंने बुक्स ली, तो वहां से फिर जब मैंने एक दो उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट महसूस हुआ कि यार ये तो एक स्टोरी चल रही है, तो एक किस्म की कहानी है। वहां से इंटरेस्ट डिवेलप हुआ, तो फिर 2016 में, मेरे ख्याल में सितंबर 2016 में, मैंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का, उसमें मैंने रिटर्न टेस्ट दिया, उसमें मेरे ख्याल में मैंने कोई 30-35 मॉडल पेपर पढ़े होंगे, ये जो इम्तियाज शायद वाले हैं, तो वो फिर दोनों मेरे रिटर्न क्लियर हो गए। तो ये तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो दोनों ही क्लियर हो गया, तो फिर तो बंदे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि यार अंधों में काना राजा, मैं भी कम्पीट कर सकता हूँ। तो ये फिर सिलसिला चला, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भी मैं हुआ, अपना लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी मैं हुआ, फिर जैसे आपने बताया अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, असिस्टेंट पुलिस भी सर्व कर रहा हूँ, ISI में भी मैं चला गया।
ये वेरी काइंड ऑफ ये सही कि उन्होंने फिर मुझे अलाउ किया इधर पुलिस में आने के लिए। इसके अलावा एनटीएस के थे वो, कोई फूड इंस्पेक्टर का था वो भी किया, और सबसे पहले एजुकेटर का हुआ था, एजुकेटर भी वो मतलब कुछ सीन ऐसे बने कि ज्वाइन करने की नौबत नहीं है। जो सबसे ज्यादा मैंने वक्त गुजारा है वो यहाँ पुलिस में ही वक्त गुजारा है। इस दौरान अपने आप को रनिंग में रहने के लिए असिस्टेंट एसएनजीडी जैसे आ गया, ये 2017 में भी मैंने क्लियर किया था, अभी भी क्लियर किया था, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मतलब जितने भी डिपार्टमेंट, उसके बाद भी पुलिस में आने के बाद भी कोई 10 बार मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं अपेयर नहीं हूँ। अगर मैंने कहा क्या कि बाकी अल्लाह की जात सिलेक्ट करने वाली है कि अगर सिलेक्ट हो भी गए तो जाना तो वैसे नहीं है, तो चलो किसी का हकदार का, किसी का हम चलो डिजर्विंग जो कैंडिडेट है वो इसके ऊपर जा सके। बस अभी भी सब सफर चल रहा है, ये भी कोई दी एंड नहीं है, आगे भी इंशाल्लाह को पीएमएस सीएसएस की अटेम्प्ट देंगे आगे। अच्छा गजलानी, जहाँ तक बिकॉज यू आर ए वेरी गुड फ्रेंड, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हमेशा आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे रहे। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो बहुत शानदार इंटरव्यू रहता है। शुरू में आप रिटन टेस्ट में इतने अच्छे नहीं थे जितने इंटरव्यू में बहुत अच्छे थे, लेकिन इस मरतबा तो आपने अखीरी कर दी है 151 रिटन टेस्ट में। मेरा ख्याल है कि ऑल ओवर द पंजाब के थोड़े ही लोग होंगे 151 स्कोर किया होगा, और 54 आपके इंटरव्यू में रहे। तो मेरा जितने भी दोस्तों से होता है मैं उनसे सीक्रेट पता करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द गुड इंटरव्यू, बट आई एम इंटरेस्टेड इन यू स्पेशली फॉर योर रिटन टेस्ट, क्योंकि योर रिटन टेस्ट वाज नो डाउट अ वेरी इट वाज अ स्प्लेंडेड जॉब। तो बहुत खूबसूरत, इतना मतलब 151 150 से ऊपर स्कोर करना। देखें, अब दो पेपर थे, इंग्लिश का पेपर भी था, कंप्यूटर भी था 30 नंबर का, तो आपने 151 स्कोर कर लिया। तो आप रिटन टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें क्ल्यू दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं आप रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में कैसे आपने इतना शानदार स्कोर कैसे कर लिया आपने? सर रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि आपकी गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो दिन आपका था, उसमें तो चलो आपका तुक्का लग जाता है। जो रिटर्न है उसके लिए आपको ग्रेजुअली आपको उसके लिए मेहनत दरकार होती है। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे मैथ से, हालांकि मेरी इंजीनियरिंग है, बीएससी इंजीनियरिंग है, मैथ से मुझे बड़ी ही एलर्जी, और मुझे अभी भी मैथ फोबिया है। इसी तरीके से मुझे इंग्लिश फोबिया भी था, तो सबसे पहले मैंने यही कोशिश की कि इंग्लिश फोबिया जो है ना, क्योंकि इंग्लिश मैथ तो आपकी रूटीन में ऑफिस में इधर ऐसा कोई यूज नहीं होनी होती, इंग्लिश तो आपने यूज करनी होती है, आपने इधर ऑफिस में नोटिंग करनी होती है, आपने डॉन न्यूज पेपर है उधर भी आपने पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश के ऊपर फोकस किया। लोग मुझे कहते थे, इवन के बिलाल मुझे कहता था कि यार तू क्या करता रहता है, मैं कहता हूँ यार वोकैबुलरी को रट्टा मारता हूँ। वो कहते यार वोकैबुलरी को रट्टा मारता है, वोकैबुलरी कितनी आनी होती है यार, पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, 5 से 7 नंबर की आती है। मैं उसे कहता था यार वोकैबुलरी में मुझे अगर वो वर्ड आ गया, इडियम में वो यूज हो गया, वो प्रेपोजिशन में यूज हो गया, जब तक मुझे उस वर्ड का मतलब पता नहीं होगा, मैं कैसे चीजों को लिंक करूंगा कि यार ये चीज मांग रहा है या ये चीज देना चाहता है। तो वोकैब और इंग्लिश के ऊपर मैंने अपना स्पेशली फोकस किया। और तहसीलदार पे जब मैंने तहसीलदार का दिया, तो उसमें मैंने ना, मैं समझता हूँ कि मैंने जो एग्जामिनर था उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, वहां पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन था। मैंने कहा यार एग्जामिनर नन ऑफ दीज तक तो जा ही नहीं सकता, ये जो 80% ऑप्शन, ये सी ऑप्शन जो है जो 80% है यही हो सकता है, हालांकि अगर मैं उसको रिस्पेक्ट देता यार नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो वो भी मैंने क्वालिफाई कर लेना था। ये इस जगह पे एक तो मैंने अपना सारा फोकस इंग्लिश पे रखा, क्योंकि जो आपका दूसरा जीके वाला पोर्शन है, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप ग्रेजुअली उसके साथ टच में रहते हैं, तो आपका माइंड जो है ना, वो जो ऑप्शन है वो आपको साउंड देना शुरू कर देता है कि यार ये ए है, बी है, सी है। ये जो डिसाइडिंग फैक्टर था ये इंग्लिश था। ये इन सारे टेन्योर में कुछ 6 7 महीने जो भी टेन्योर था तैयारी का, इसमें सारा फोकस ही मैंने इंग्लिश के ऊपर रखा। बाकी ये है कि तैयारी उसके लिए तो आप स्पेशली आप एक हर चीज तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जब आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल के एक मैंने चैप्टर खोला उसमें कोई 100 MCQ थी। अब ये तो नहीं है कि 100 100 मुझे नहीं आती होती, उसमें मुझे 15 हो सकती है, कि मुझे 15 मतलब है मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, वो जो 15 है वो मैं अपनी नोट डाउन कर लेता हूँ। इस तरीके से इंग्लिश में देख लिया कि ये तो नहीं है कि मुझे हर प्रेपोजिशन नहीं आती, हर वोकैब नहीं आती, हर इडियम नहीं आता, हर फ्रेजल वर्ब नहीं आता, जो जो चीज है वो मैं उसको अलहदा से नोट डाउन कर लेता हूँ, कि जब मेरे पास टाइम नहीं हो, शॉर्ट टाइम हो, महीना हो, दो, उसी तरीके से फिर मैं उसको मतलब चीजों को रिपीट कर सकूं। ऐसा ऐसा अपने मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, और अपना खास तौर पे इंग्लिश पे फोकस रखा। ऑफिस में बैठ के कहीं भी मोबाइल में चीजें रख ली, मोबाइल पे कोई चीज आपने ऐसी देखी उसका स्क्रीन शॉट ले लिया, स्क्रीन शॉट वाले फोल्डर में रख लिया, हर चीज के नोट्स बनाए या नोट्स बना के पीडीएफ बना के मोबाइल में रख लिया। मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअल टच और नोट्स जो है ना वो, वन थिंग वाज मिसिंग, तो अब आपने क्लियर कर दिया कि आप नोट्स बनाने शुरू किए हुए थे। तो मैं इसी चीज में इंटरेस्टेड था कि
मैंने पहले भी दोस्तों को कहा है कि हम जो आने वाले बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, एक्चुअली उनके साथ हमने वो तमाम चीजें शेयर करनी होती है जो हम कभी बनाते हैं। तो आपने इतने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो ये नोट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल के बहुत सारे बच्चों तक ये तमाम चीजें, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि हमारी तरफ से तमाम चीजें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही होती है। तो विद प्राउड मैं आपको कह सकता हूँ कि वी आर नॉट, मतलब किसी भी पॉइंट पे वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर, मतलब इवन सिंगल पैनी जो है हमारे किसी भी पॉइंट पे कभी भी हमने ये नहीं किया कि हम सिंगल पैनी भी अर्न नहीं करना चाहते। दिस इज एक्चुअली ऑल दिस एक्सरसाइजेस हम कह सकते हैं कि बतौर वॉलंटियर कर रहे हैं, और ये आपने भी बतौर वॉलंटियर ही सारा कुछ करना होता है। तो अगर आप अपने जो नोट्स आपके पास हैं, और मुझे पता है कि वो हैं आपके पास, वही अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो आपको इतना अच्छा रिटर्न टेस्ट स्कोर करवाते हैं, तो अगर आप जितने भी आपके वो नोट्स हैं हमारे से शेयर करें तो हमारे बच्चों के लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी मेरे अबूबकर दोस्त हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा आपके और नायब तहसीलदार दोस्त, उन्होंने नोट्स शेयर किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म में हम इनको बना लें, पेन ड्राइव में ले लें, इसके अलावा इसकी सीडीज और डीवीडीज बना लें। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूएसबीज तक भी हम, और मेरी कोशिश होगी कि हम तमाम दोस्तों की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम दोस्तों तक ये पहुँचाएंगे, चाहे वो पेन ड्राइव में हो, चाहे वो यूएसबी में हो, चाहे वो सीडीज डीवीडीज में हो, या पीडीएफ फॉर्म में, या हार्ड कॉपीज उसकी होंगी, या हम सॉफ्ट कॉपी अपने फेसबुक पेज पे जो भी लगाएंगे, तो ऑल दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंशाल्लाह यही चीजें हैं जो आपको, हमें और तमाम जितने हमारे दोस्त हैं, हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम एक फख्र, एक प्राउड के साथ अपने तमाम दोस्तों से अपने इस एफर्ट को शेयर कर सकते हैं। और आपके जब नोट्स होंगे आपके नाम से होंगे, और आप भी इंशाल्लाह फख्र महसूस करेंगे कि जब तमाम दोस्तों तक फ्री ऑफ कॉस्ट और अल्लाह की रजा के लिए जब पहुंचेंगे तो आपको भी उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। एक तो गजलानी, आप अपना पूरा जो इंटरव्यू है वो हमारे साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप इतनी अच्छी स्केल में, फिर 16 स्केल में पूरी की जॉब कर रहे हैं, बहुत हैंडसम सैलरी है आपकी, तो कैसे, मतलब डॉक्टर अजमल खान साहब जो कि बड़े मजे हुए, बड़े एक जीरा कोर, उनके कलम से निकलना इंटरव्यू मार्क्स का, और वो भी 16 ग्रेड के गजटेड अफसर के लिए, कि वो गजटेड अफसर से 14 स्केल पे जाना चाह रहा है। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, दैट व्हाट वाज एक्चुअली द प्रैक्टिकल इंटरव्यू, कौन सी ऐसी पावर थी, कौन सी ताकत थी, कौन सा पावर था, कौन सा सीक्रेट था, क्या आपने 54 ले लिया डॉक्टर अजमल खान साहब से? अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरव्यू के हिसाब से मुझे कभी एक लम्हे के लिए भी, कभी मैं जब भी किसी इंटरव्यू में गया, मुझे एक लम्हे के लिए भी टेंशन नहीं हुई कि यार मेरी एलोकेशन नहीं हुई। ये अल्लाह का करम है, मेरा पास एक्सपीरियंस भी ये आज तक मेरे ख्याल में मैं 5 से 6 PPSC के इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ, और 5 से 6 में ही मेरी एलोकेशन हुई है। एक FPSC में भी गया था, उसमें भी एलोकेशन हो गई। NTS में गया, उसमें भी एलोकेशन हो गई। PMS 2020 का भी मैं क्वालिफायर हूँ, उसमें मुझे था ऊपर नीचे का, लेकिन इंटरव्यू की मुझे टेंशन नहीं थी कि इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। उसमें ये था कि क्योंकि रिटर्न में नंबर काम थे, उसमें भी वो मुझे चेयरमैन था, नैयर साहब भी थे, अपना परवेज साहब भी थे, एक सुहेल साहब भी थे, उन्होंने मुझे 130+ दिए, और जो लोग एलोकेट हुए PMS 2020 में तकरीबन वो 115 की रेंज में थे। तो खैर, एक कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट अप था कि यार इंटरव्यू में मैं आ नहीं था। और मेरा ये है कि मैं एक जूली सा बंदा हूँ सर, जब रिटर्न का होने वाला था ये नैब तहसीलदार का या तहसीलदार का, उधर उनको मैंने कहा जी यार आप लोग इधर पेपर देने आए हो, मेरा तो रिटर्न पास है। वो कहते हैं यार रिटर्न पास है आपका, ये क्या, ये एंटी करप्शन है तो छापे छापे मारे थे, पेपर आउट तो नहीं हो गया। मैंने कहा यार नहीं, उस चीज को छोड़, मेरा रिटर्न पास है। मैंने कहा ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, आप देख लेना रिटर्न पास है। वो बाई चांस अल्लाह की रजा से वो रिटर्न पास हो गया। उन्होंने फेसबुक पे कॉन्टेक्ट किया, यार हमें भी कोई रेफरेंस दे। अब बाकी बात आ गई इंटरव्यू की, जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं वो जो वेटिंग रूम में लड़के बैठे होते हैं ना, वहां पर जब भी मैं जाता हूँ वो कहता हूँ यार हाँ भैया आप इंटरव्यू देने आए हैं इस जॉब का? वो कहते हैं जी हाँ जी इंटरव्यू देने आए हूँ। कहते हैं जी आप भी इंटरव्यू देने? मैंने कहा नहीं, मैं तो ज्वाइनिंग लेटर लेने आया हूँ। कहते हैं यार आप कैसे जाने लेटर, अभी तो इंटरव्यू देने। बहरहाल मैं उनको बड़ा सस्पेंस में डाल के रखता हूँ, वो बाद लोग समझते हैं ये PPSC का बंदा है, सिर्फ हमें साइकोलॉजी के लिए चेक कर रहा है। अच्छा खैर, इतना मतलब मैं कहने से मुराद ये कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से जाता हूँ। अच्छा खैर, मैं जब अंदर गया, अजमल साहब ने एक दो क्वेश्चन किए, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उधर बैठा ही था तो अभी उन्होंने कहा जी बेटा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया तो उन्होंने कहा रुके 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 रुके, आप पुलिस में? मैं कहा जी सर पुलिस में। आप इधर क्या कर रहे हैं? सर इंटरव्यू देने आया हूँ। आप ऑलरेडी 16 में पुलिस की जॉब है,
और अच्छी जॉब है, लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। अभी हमने रिसेंटली इसकी अपनी स्लॉट्स आई थी तो एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन 1,000 बंदे ने अप्लाई किया, तो आप ये छोड़ कर आना चाह रहे हैं। खैर मैं उनको रीजंस दी के सारे नहीं, ये मिनिस्टीरियल है, वो एग्जेक्टिव है। उन्होंने कहा यार इधर उधर की, ऐसे बड़ा रूड होके हार्श होके, भाई आप इधर उधर की बातें ना करें, आप साफ साफ कहें आप टोर टप्पे के लिए आ रहे अच्छा हैं। जब उन्होंने कहा जी टोर टप्पे के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा सर टोर टप्पे की बात है, जिस जॉब में मैं बैठा हूँ इस जॉब में उस जॉब से ज्यादा टोर टप्पा है। आप अभी मुझे अपने किसी रैली में ऐसे जो डीएसपी का नंबर था, अभी मैं उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, वो हाई अलर्ट हो जाएगा। तो बाकी मेंबर ना हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार साफ कह दे फिर आप पैसे के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा यार पैसे की बात ही नहीं है सर, बेगम मेरी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, 2,37,000 उनकी सैलरी है, माँ बाप का मैं अकेला हूँ, दो मुरब्बे मेरे वाले साहब की जमीन है, तो मुझे पैसे की क्या जरूरत है। कहते हैं यार बेटा फिर तो आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है जो आप जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं कोई पैरासाइट थोड़ी हूँ कि मैं या तो बेगम को ताड़ के बैठा रहूँ या मैं अपने वाले साहब की जायदाद को देखूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं, आप हमारा भी टाइम जाया कर रहे हैं। मैंने कहा इनको क्या हो गया। उन्होंने कहा जी आप साथ कोई मैडम बैठी हुई थी मेरे ख्याल में, कोई साइकोलॉजिस्ट थी या जो भी थी, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप बुक्स पढ़ते हैं। वो मेरे माइंड में था कि यार ये बुक्स पूछते हैं, तो मैं एक आधी ऑडियो सुन के गया था 40 रूल्स ऑफ लव की, कि उसका क्रैक्स क्या है। तो फिर मैंने उसका क्रैक्स बताया, वो हल्का बुल्का हंसना शुरू हो गए। बड़ा मैंने फ्रैंक इंटरव्यू दिया, ये नहीं कि भाई जॉब होगी नहीं होगी क्या बनेगा ना हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड। मैं खुद चाह रहा था वो मुझे एक्सपोज करें, कोई एक्सप्लोर करें वो मुझे। अच्छा मैडम कहती हैं कि मुल्क की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी करंट सिचुएशन आपके सामने है, वैसे मैंने ऐसे करके वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स मैंने कहा। उन्होंने क्या मतलब, वो तो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। मैंने कहा मैम अगर वो न्यूट्रल ना होते तो पीडीएम के सर्किट में करंट कहाँ से आना था। तो वो सारे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं जी आप ज्यादा बोल्ड नहीं है। मैंने कहा ये बोल्ड की बात है, इधर मैं आपको इधर उधर की कहानियां सुनाने शुरू कर दूं, आप माशाल्लाह सारे मंजे हुए हैं तो आपने वैसे मुझे पकड़ लेना है। अच्छा इस दौरान चेयरमैन दरमियान में फिर कहने लगा मैडम मैंने आपको कहा भी आप अपने भी टाइम जाया करें हमारे भी टाइम जाया करें, हमने नहीं रखना। वो बंदे को वैसे बंदे को फील होता है कि यार ये क्या आप इंटरव्यू करें, टोकन क्वेश्चन करें, ओपिनियन करें, आप अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन आप इस चीज के मतलब है कि भूली तो ना करें। अच्छा फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला आ गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन एंड आंसरिंग की, तो उनके साथ मेरा चलता रहा। जनरल भी उन्होंने क्वेश्चन किए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले ने मेरे ख्याल में रेवेन्यू स्टेट की मुझसे डेफिनेशन पूछी, मैंने उनको डेफिनेशन बताई, तो उन्होंने कहा जी बुक वाली डेफिनेशन बताया। मैंने कहा सर बुक तो इसकी होती नहीं है, एक लैंड रेवेन्यू एक्ट ही है, तो उसी में ही मैंने उसी में से देखी आपको डेफिनेशन बताइए। मैंने कहा वरना ये डेफिनेशन तो नहीं होती कि एनी एरिया डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज स्टेट इज कॉल्ड रेवेन्यू स्टेट, ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है, ये उधर एक्ट से ही मैंने पढ़ी है। कहते हैं अच्छा। फिर वो उन्होंने ओपिनियन के क्वेश्चन पूछे अपना अजमल साहब ने, अजमल साहब ओवरऑल मेंबर्स को भी कह रहे थे आप इनका क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने इनको रखना ही नहीं है। तो ऐसे खैर चलता रहा, तो पता नहीं कौन सी स्टेज पे उन्होंने कहा जी मैंने आपको रिकमेंड नहीं करना। ये तो इसी दौरान मैंने उनको कह दिया सर आप कोई मसला नहीं, आप मुझे नॉट रिकमेंड कर दें तो इनशाला बदर वाले फरिश्ते उतरेंगे वो मुझे रिकमेंड कर जाएंगे। तो उधर उन्होंने हंसना शुरू कर दिया कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू तो मैं समझता हूँ कि टोकन क्वेश्चन या ओपिनियन बेस तो मेरा उनके साथ ठीक गया, लेकिन इस दौरान जो मुझे लेके चलते रहने का आपको रखना नहीं है आपको रखना नहीं है, तो ये पैरेलल मतलब है कि जो चीजें चल रही थी ना एक तरह से वो कह रहे हैं दिल कह रहा था इन्होंने रखना नहीं है, मैं क्यों अपनी एनर्जियां लगा रहा हूँ। तो मतलब बड़ा ही मैंने उनको बोल्ड और इधर उधर की कोई रस्मी सवाली जवाबी जो होता है ना कि मैं आके मुल्क की खिदमत करूंगा जी मैं ये करूंगा जी मैं बड़ी तब्दीली ले आऊंगी, इसका कोई चक्कर नहीं था। तो मैं तो उनसे तो कर ही नहीं रहा था, तो पता नहीं कैसे आ गया। मैंने कहा अच्छा, जब रिजल्ट आया डीएमसी नहीं आई थी, मैंने समझा कि रिटर्न में मे भी मेरे कम होंगे, तो मे भी मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो कि लड़का प्रेशर में उठता है या मतलब अगर नीचे बैठ जाता है। तो वो इंटरव्यू का जो मैंने रिजल्ट देखा तो वो 54 नंबर थे, रिटर्न में 151 थे, तो वहां से कंपनसेट हो गया। बाकी उनका प्रोग्राम तो नहीं था रखने का, बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि रिकमेंडेशन हो गई। गजलानी, आप ये देखें कि मैंने आपसे पहले एक इंटरव्यू किया है, उसमें 74 दिए हैं। तो आप आपके मोहम्मद जो हावरपोर्ट रीजन के टॉपर हैं, मोहम्मद माज शरीफ, उनको 74 दिए, तो आपको 54 दिए। आप माशाल्लाह, यू आर सो एनर्जेटिक, यू आर सो बोल्ड, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव अ स्पीकिंग पावर, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी।
आपके पास तमाम चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा आप इंटरव्यू को, और जो इंटरव्यू डेकोरम होता है कि टैक्टफुली लेता है, अगर आप टैक्टफुली लेते इसको तो आपका स्कोर और बहुत अच्छा हो सकता था। कभी ऐसे फील हुआ थोड़ा सा? नहीं सर, ये जब जैसे जहांगीर वाल टाइम वाले हैं या दूसरी एकेडमी जो इंटरव्यूज की तैयारी करवाती हैं, हाँ तो जी मेरा शुरू से मानना रही है, बिलाल भी मुझसे अगर पूछते तो उसे मैं यही बताता हूँ, वो इस चीज का गवाह है। जब पीएमएस का मेरा इंटरव्यू हुआ तो उधर भी मैंने, लोग कहते हैं जी माई नेम इज मोहम्मद जीशान, फादर माई फादर नेम इज अब्दुल हमीद। जब मैंने उधर शुरू किया मैंने कहा माई नेम इज मोहम्मद जीशान, माई नेम इज मोहम्मद जीशान हमीद, फादर ऑफ 3 मंथ ओल्ड जुहान हमीद। मतलब एक मैंने अपने बाप से नहीं किया, मैंने कहा जी 3 मंथ ओल्ड जुहान हमीद का मैं फादर हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि 13 कैंडिडेट आए हैं या 25 कैंडिडेट आए हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करके जाऊं, वो उनके ऊपर कोई तासुर छोड़ के जाऊं, इस किस्म का जोली किस्म का, कि टोकन क्वेश्चन भी इसने बता दिए, ओपिनियन भी बता दिए, सिंपथी भी हल्की फुल्की गेन कर ली। और दूसरा ये है कि जब आप रेप्लिका बन के जाएंगे, फोटो कॉपी बन के जाएंगे, वो भी बैठे वो भी बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इससे पहले वाला भी ये जवाब देके गया था, इससे पहले वाला भी ये जवाब दे गया, बंदा बोर हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ यूनिकनेस छोड़ के जाऊं। पीएमएस में मैंने ऐसे किया, इवन के आईएसआई के इंटरव्यू में, मतलब एक मैं जूली, मैं मेरा जो हेट्रोडॉक्स या एक स्टीरियो टाइप जो इंटरव्यू चल रहे होते हैं कि इस तरीके से आपने बैठना है, डेकोरम रखना है, आपने ऐसे बैठना है, गर्दन सीधी, कोट इस तरीके से होना चाहिए, इंटर होते वक्त आपने ये वाला बटन खोल लेना है जी, या आपने सफेद सूट पहन के जाना है, बास्केट पहन के, मेरा इन चीजों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस चीज को फॉलो करें, वो ये ना हो कि कब्बा चला हंस की चला अपनी चाल भी भूल गया। मेरे एक यूनिक किस्म का एक बिल्ट इन चीजें हैं कि मैं वहां पे जाके ना अपने ही किरदार में खो जाता हूँ मेरा ये मैं। गजलानी, मैं और एक्चुअली अपने बच्चों के लिए, अपने कलीग्स, अपने फेलोज के लिए जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, हम आपसे वो चीज़ें लेना चाहते हैं जो बच्चे फॉलो करें। और मेरे ख्याल से जो यूनिकनेस की बात है वो बहुत एक्सीलेंट है। इफ यू आर यूनिक, इफ यू आर ए, जैसे आपने कहा कि जो स्टीरियोटाइप चीज़ें होती हैं, आपका पैनल तो यही चाहता है कि आप स्टीरियोटाइप चीज़ें ना करें। तो अगर कोई बच्चे अगर डिफेंड करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, जैसे आपने यूनिक किया, अब देखिए आप नायब तहसीलदार सिलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह, इससे पहले आप बहुत सारी जॉब्स पे आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बच्चे अगर इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहें, वो भी बच्चे भी यूनिक करना चाहें, तो क्या आप एडवाइस करते हैं कि आपको बच्चे इसमें फॉलो करें? जैसे आप डिफरेंट करते हैं, बॉली होते हैं, थोड़ा लाइट मूड में लेके आते हैं पैरालिस्ट को, लेकिन आपका ये भी मद्देनजर रखिए कि आपका बैकग्राउंड है, आपको इतनी जॉब की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप बहुत अकलौते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ऑलरेडी आप एक लैंड लॉर्ड हैं, आपकी फैमिली बड़ी स्टेबल फैमिली है, तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रख के बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि आपको कितनी हद तक फॉलो करें कि वो यूनिक बने, थोड़े से जोली बने? अच्छा सर, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो मैंने उनको कहा ना कि जी मेरी दो मुरब्बे जमीन है जी, माँ बाप का अकेला हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हम 5 भाई हैं ठीक है, तो हमारे शहर में 2 ही प्लाट होंगे, कोई जमीन शमीन नहीं है। सिर्फ मैंने उनको काउंटर करने के लिए, जब उन्होंने कहा जी इसका मतलब आप पैसे के लिए आ रहे हैं, अगर वहां पे मैं चुप कर जाता वो समझते जी अच्छा ठीक है इसको पैसों की जरूरत है। बेगम मेरी वैसे वुमेन मेडिकल ऑफिसर है, उनकी 1,30,000 सैलरी है, कोई 2,37,000 सैलरी नहीं है। सिर्फ मैं उनको काउंटर करने के लिए, भाई मैं आप ये अगर पैसे की बात करें तो पैसा मेरा देखा हुआ है, तो ये तो फिर इस टेक्निक वजह से कहाँ से मैं आ सकती है? जैसे आपने काउंटर कर लिया, ये टेक्निक बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा पहली बात, जब उन्होंने दूसरी जो टोटपे वाली उन्होंने बात की ना, टोटपे वाली, तो जिस तरीके से उन्होंने वर्ड यूज किया ना टोटपा, मुझे बात समझ आ गई कि यार यहाँ पे ये को खुल के ही बातें करनी पड़ेंगी, अजमल साहब बहुत तेज हैं। तो इस वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा मूड को भी देखना पड़ता है ना, कि आप जो मैं उधर से जॉली बन रहा हूँ, उधर से सीरियस एटीट्यूड आ रहा है, मैं उनको अगर उनकी आंखें और उनके बिहेवियर में पढ़ ही नहीं पा रहा, तो मैं वन साइडेड ट्रैफिक चलाई जा रहा हूँ। तो ये भी उन्होंने कहा चले भाई उठे, ये भी कह सकते हैं आपने तासुरात भी पढ़ने होते हैं, जो आपके राइट साइड पे बैठा हुआ, लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, हल्की सी मुस्कुराहट दे रहा है, कोई यूनिकनेस आपस में, वो आपकी बात के ऊपर कुछ वो इंटरेस्ट ले भी रहे हैं कि आप वन साइड ट्रैफिक चलाई जा रहे हैं, वो सारा एक चीज सिंक्रोनाइज हो जाती है। आप पैनल के साथ बैठे होते हैं ना, तो आपकी वाइब्स और सिक्स सेंस सारा कुछ बता रही होती है। बाकी उसने कहा जी टोटपा, टोटपा तो मेरे ख्याल में नायब तहसीलदार वाली जॉब में ज्यादा होगा, यहाँ पे तो हमारी ऑफिस जॉब है। तो टोटपे को बस उसको मैंने काउंटर करने के लिए, मुझे पता था 5-10 मिनट का इंटरव्यू, इन्होंने कौन सा भी कहना, ये जी एसएचओ डीएसपी को फोन मिलाओ, मेरे कहने में क्या जाता था, उसको मैंने कह दिया जी एसएचओ डीएसपी जिसका भी बता मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, वो अभी हाई अलर्ट हो जाएंगे। कहाँ से हाई अलर्ट हो जाएंगे, मैं कोई डीएजी हूँ या मैं पीएसपी अफसर हूँ? सिर्फ उनको टोटपा और पैसों वाली बात पे मैंने उनको डाइवर्ट करने के लिए और थोड़ा सा जूलीपन लाने के लिए उनको मैंने ये बात कर दी, और ऐसी तो कोई बात नहीं थी।
अच्छा गजलाती, हमने बहुत सारे जो नायब तहसीलदार कुलीग्स थे जब तैयारी कर रहे थे तो हमने उनको मॉक इंटरव्यूज भी किए, कुछ दोस्तों के मैंने अभी इंटरव्यूज भी किए हैं। बट यू आर सो इंटेलिजेंट, बिलीव मी, मैं आप बटरिंग नहीं कर रहा, यू आर सो अच्छा सर, इंटेलिजेंट, यू मजे आर की सो बात सुने, यूनिक। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। लोग आते हैं जी यहाँ पे जहांगीर वर्ल्ड टाइम में जाते हैं जी, पैसे दिए, मॉक इंटरव्यू दिए। मैंने कभी शीशे के आगे भी, लोग कहते हैं शीशे के आगे चले जाएं, जो आपको इंट्रोडक्शन करवाना है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं, ये ना हो कि आप वहां पे बोलते। मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में अपना तारुफ पैनल के सामने ही करवाता हूँ। वो इस वजह से भी करवाता हूँ, वो इस वजह से भी करवाता हूँ कि अगर वहां पे मैं दो चार चीजों पे अगर फंस भी गया ना, तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा नेचुरल बोल रहा है। अगर मैं 5 दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं जहांगीर वाला टाइम, जैसे सबको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं या अकेडमी में तैयारी करवा रहे हैं, तो उनको साफ पता चल जाएगा कि इस बंदे को पता है कि अच्छा ऐसे इंटर होना है, ऐसे बैठना है, ये सारा कुछ समझ बूझ के साथ आया हुआ है। वो तो फिर मैं लगूंगा कि फोटो कॉपी है। जब आप नेचुरल जाएंगे तो पैनल 22 साल, 22 ग्रेड में वो रिटायर होते हैं, 40 साल उनकी सर्विस होती है, आप जैसे वो परदादे बने हुए होते हैं इस फील्ड के, वो सारा कुछ समझ जाते हैं कि यार ये आर्टिफिशियल कर रहा है या ये नेचुरल है। तो आप, मेरी कोशिश है कि आप हाओ ना हो तो आप लेके जाएंगे इंटरव्यू में, आपने बैठना कैसे है, कि आपने इंगेज कैसे होना है। बाकी ये नहीं है कि आप मुझसे पहले जो गया है वो भी अपना स्टीरियोटाइप जाके बैठ गया, दाईं तरफ उसने हाथ रखा जी, गर्दन उसने सीधी कर ली जी, कोट ऐसे कर लिया जी, इंटर होते दूसरा बटन खोला, मेरे बाद जो है उसने भी ऐसे किया। उसके बाद कुछ थोड़ा सा जाके यूनिक भी जाके करना चाहिए कि उनको पता चले कि यार ये कोई अलहदा कोई कॉपी आई है, ये फोटो कॉपी गजलानी, नहीं है कम आप अज कम। इतने यूनिक हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को रिवाइज करूं, साथ साथ में कोई एक खुलासा बना लें, समरी बना लें, लेकिन आपको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। जहां तक मैं समझाऊं तो हाँ ये आप यही बात, ये जी, जो जो भी मेरे दोस्त हैं, सबसे सबसे पहले मैं उनको ये कहता हूँ कि वो अक्सर, अब जब आप रिटर्न में, अब देखे ना, रिटर्न से पहले मैंने उनको कहना शुरू कर दिया जी यार आप पेपर देने आए हो, मेरा तो रिटर्न पास है। अगला बंदा कहेगा यार इसने पता नहीं पैसे दे के पेपर लिया होगा, क्या होगा इतना, या तो दिमागी तौर पर ये मफलूज है, ये जिंदगी में पहली दफा ये पीपीएससी का पेपर दे रहा होगा जो इतने रिलैक्स है। मतलब पीपीएससी का पेपर कौन कह सकता है जी मैं कर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। तो मैं दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलता हूँ, बेसिकली मैं खुद को भी रिलैक्स कर रहा होता हूँ, अपने आप को मैं कॉन्फिडेंस दे रहता हूँ, जो अपनी मेरी जो डिप्रेशन है वो भी एक किस्म की मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से इंटरव्यू में वो मैं कहता हूँ यार वो आप लोगों का इंटरव्यू, मैं तो ज्वाइनिंग लेटर लेने आया हूँ, हालांकि मुझे कुछ पता नहीं होता। और इस इंटरव्यू में ऐसे हुआ, बाहर से जब मैं वेटिंग रूम में बैठा था बड़ा खुशबाश ये वो, यार मैंने कहा मेरा नाम देख लेना, मेरा इंटरव्यू में नाम होगा फाइनलिस्ट में। जब मैं अंदर गया और जब मैं बाहर आया, मैंने कहा यार मेरे, मैं कहाँ हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स दो, मैंने वापस घर जाना है। तो हर बंदे की यूनिकनेस होती है। मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा पैनल को जाए ना, किसी दूसरे को देख के कम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए, आप अपने नेचुरल तरीके से जाएं, ताकि उनको पता चले कि यार ये बंदा एफर्ट करके आया है, ये मेरे पास स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी नहीं आई हुई, अच्छा, किसी हम से कम्प्लेक्स गजलानी, फील करने की जरूरत क्योंकि नहीं है। वी हैव अ टाइम लिमिट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मीटिंग, तो मैं अगर समरी करना चाहूँ तो नो डाउट यू आर अ यूनिक पर्सन, यू आर इंटेलिजेंट, जॉली है, कॉन्फिडेंट है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी शख्सियत खुद से बोलती है, बहुत यूनिक है, बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं है। एक भी चीज़ मैंने पूरे इंटरव्यू में नहीं देखी, कोई चीज़ फॉलो नहीं करते आप कहते हैं कि एसओपीज को फॉलो करें, आपकी कोई एसओपी नहीं है, बगैर हाँ एसओपी के, जी, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट, और माशाल्लाह बहुत ही कहना चाहिए कि मेरे जितने इंटरव्यू हुए हैं उनमें बहुत मजा आया है आपसे बात करके, खास तौर से कि स्टीरियोटाइप चीज कोई ही नहीं है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल जॉली है, अंदर की बात कर रहे होते हैं, जो अंदर से आ रहा है कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली आपको इन्वाइट करना चाहूंगा कि बच्चों के लिए एक मैसेज जो आपके तमाम दोस्त देते हैं, तो आपकी तरफ से भी एक मैसेज होना चाहिए बच्चों के लिए, कोई भी ऐसा उनके रिटन टेस्ट के हवाले से भी और उनके इंटरव्यू के हवाले से भी आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटन टेस्ट के हवाले से मैं मैसेज दूंगा, कभी कम्प्लेक्स फील नहीं करना कि यार ये जो पीपीएससी होता है ये पंजाब का कोई बहुत ही टफ, मैं तो कहता हूँ ये है ही निकम्मे लोगों के लिए, ये तो है ही शॉर्टकट। ठीक है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंट होकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो 17-17 उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किए हैं, अपना रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू में नहीं होते, और एक बंदा है जी एक दफा रिटर्न क्लियर कर जाता है। तो आपने मुसलसल लगे रहना है, लगे रहने हैं, कभी आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो मुझसे काबिल था, इसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं हो सकता। आप अपने जो भी आप बुक पढ़ते हैं, आपने उसका एक पेज देखा, उसमें जब आपको लगता है कोई चीज मुश्किल है तो आप उसको हाईलाइट कर लें। ये जो हाईलाइट करना है और नोट्स बनाना है, और हर देखे ना, मुझसे कोई बंदा पूछता है जी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कैद आजम,
ये क्वेश्चन किसी और के लिए मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए आसान होगा, मैं इसको हाईलाइट नहीं करता। हर बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता होगा आपको क्या चीज रेपिटेशन की जरूरत है। आपके ये नोट्स भी जो हमारे लिए मुझे बहुत चीज कीमती हैं, आपने नोट्स तो वो बनाएंगे लेकिन आपके सर, नोट्स वो तो हमें मैं नहीं ज्यादा श्योर कीमती श्योर श्योर सर मैं श्योर श्योर मैं शेयर करूंगा सर, श्योर मैं शेयर करूंगा। दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंट रहे। अभी भी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने पीएमएस के इंटरव्यू क्लियर किया और इंटरव्यू के हवाले से पूछते हैं, मैं कहता हूं जब आप इंटरव्यू देने जाएं ये मत सोचें कि मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा, आप ये सोचें कि आप यहां तक पहुंच गए हैं। अगर आपका क्वालिफाई इंटरव्यू ना भी हुआ तो अगर आप रिटर्न पास कर सकते हैं तो हर महीने में कोई 10 जॉब आ रही होती है, आप दोबारा रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेंगे फिर पेपर सीट आ जाएंगे, आपकी तैयारी तो सही नहीं होती ना, तो आप दोबारा से करेंगे। इंटरव्यू में जब आप 2-3 मरतबा हो आएंगे आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, तो ये भी आपका जो अंदर का एक डर है ये डर खौफ खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब इंटरव्यू देने जाएं तैरते हुए जाएं, इंटरव्यू होता है नहीं होता वो आपका दिन डिसाइड करता है, वो आपका पैनल डिसाइड करता है। जरूरी नहीं है कि आप में से आपने आपसे 10 सवाल पूछे आपने कहा जी सॉरी 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 सॉरी, वो इसके ऊपर भी आपको रख लेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपने सॉरी कहा कैसे, आपका एटीट्यूड कैसे था। आगे एकदम क्वेश्चन सुने बगैर आपने कहा यार पता नहीं क्या पूछ रहे सॉरी, या आप थोड़ा सा एथिकल तरीके से कहते हैं कि जी सर सॉरी मेरी नजर से नहीं गुजरा, जिस तरीके से आपका नेचुरल तरीका है। इंटरव्यू तैरते हुए जाएं, आपने अगर 100 में से 100 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है और कोई चीज उसमें से आपको पसंद नहीं आई, पैनल को लगता है कि यार ये तो ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है, क्या आप इसको हम रख भी लें तो पता नहीं ये यहाँ रहते हैं नहीं रहते, वो बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, वो सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं देख रहे होते। एक रिटर्न जब आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब है कि 2 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद, 10 माह बाद कभी ना कभी आपकी जॉब हो जानी है। बाकी इंटरव्यू में तैरते हुए जाएं वो कोई मसला नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। और ये मैं कहता हूँ ये निकम्मों के लिए, जो जो बिलो एवरेज लोग होते हैं ये उनके लिए। निशान मैं अपना यूनिवर्सिटी का बताऊं, मैं कोई मेरे ख्याल में 2 दफा तो यूनिवर्सिटी में मैं 2 दफा डिटेन हुआ हूँ, कोई 1 दफा ड्रॉप हुआ हूँ। मैं जो मुझसे लोग पूछते हैं मैं उनको कहते हैं आपकी तालीम कितनी, मैं तो इंजीनियरिंग बताता ही नहीं, मैं कहता हूँ यार मेरी FSC है, क्योंकि अच्छा इंजीनियरिंग में तो जो पढ़ना था या किया था मुझे तो पता ही नहीं है, बस एक कागज का निशान टुकड़ा ले आया जी। निशान, दिस वाज अ वेरी गुड मीटिंग, बहुत अच्छा लगा है, इतना खुल के मेरा ख्याल है कम ही लोग बात करते हैं, और कैमरे के सामने तो लोग इतना खोल के नहीं बोलते जितना आप बोलते हैं, नहीं नहीं माशाल्लाह। सर आपकी वीडियो ब्रेक हो रही है निशान। निशान आपके शायद सिग्नल आपके नहीं आ रहे, या आपकी सर्विस में प्रॉब्लम, डिस्टॉर्शन आ रही है, अब तो बिल्कुल आपकी वीडियो चल ही नहीं रही है। आप सुन रहे हैं मुझे? शायद हमारा रास्ता जो है जीशान से अभी डिस्कनेक्ट हम हो गए हैं, लेकिन मैं जीशान से मेरा रास्ता रहता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं जीशान से जो उनके नोट्स हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं जीशान से उसके जो हेलो जीशान, आप डिस्टॉर्शन आ गई थी आपकी, चली गई थी आपकी वीडियो, तो अब हमारी हेलो, टाइम मीटिंग टाइम जो है वो भी अब ओवर आवाज होने आ रही है वाला है। सर? जी अब मुझे आ लेट रही में है आना होगा तो प्लीज। ओ जीशान, सर लाइट चली गई थी मैं सोचने में। बहुत शुक्र गुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे इंटरव्यू करके, आपसे मीटिंग करके, इट वॉज नो डाउट अ वेरी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, एक टोटल एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट आदमी से बात हुई, एक बहुत अच्छा अफसर, एक बहुत अच्छा इंसान, और एक जीदार बलोच, क्योंकि जो गजलानी बलोच हैं माशाल्लाह, ये आपकी यूनिकनेस है कि इतने माशाल्लाह इतने बोल्ड, इतने कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। फिर मेरी गुजारिश होगी कि आपने अपने नोट्स हमारे साथ जरूर शेयर करने हैं, ताकि हम आपके कलीग्स के साथ, आपके फेलोज, आपके दोस्तों के साथ हम आपके नोट्स शेयर कर सकें। आपने इतना प्यारा, इतना अच्छा वक्त दिया हमें, आज के लिए इतना टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं जीशान। अल्लाह ताला थैंक यू आपको सर, जो भी मजीद अपनी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं, आप अभी आपका CSS का इरादा है, अल्लाह आपको CSS में भी कामयाब करे, आप पास में आना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको पास में भी बतौर ऑफिसर जल्द आपको इंडक्शन मिले। आपने इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वक्त निकाला है, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।